हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, तो राम और मनु की शादी हो चुकी है। शादी होने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, सब अच्छे से हो गया। घर के लोग राजी नहीं थे, फिर भी हमने शादी की। लेकिन गाइस, शादी के बाद ना ऐसी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं सामने, कि सुनने के बाद ना सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है। हमने सुना था, देखा था न्यूज़ वगैरह में कभी, कि कैसे अपने ही लोग खिलाफ हो जाते हैं, कैसे ही अपने लोग मारने काटने पे उबारू हो जाते हैं। जब इंसान अपनों से ही डरने लगे तो कैसा फील होता है? कभी कभी तो मुझे फील होता है, ऐसा लगता है कि हम अपने आप को तो कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, ऐसी बड़े शहरों में रहने का या बड़ी पोस्ट में रहने का, जब छोटी सी बात ही ना समझ में आ पाए। ये समाज ना हमसे बना है, जैसे फैशन होता है ना, फैशन जो हम पहनेंगे ना और लोगों को अच्छा लगेगा और दूसरा भी पहन लेगा और उसको एक के बाद एक फॉलो करने लगता है, तो उसको बोलते हैं कि फैशन ट्रेंड, है ना। वैसे ही समाज होता है ना, समाज में नियम बदलते रहते हैं, ये हर पल बदलता है। ये समाज के लोग ना अपने हिसाब से बदलते हैं। पैसे वाले लोग हैं वो, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम मिडिल क्लास के लोग हैं और छोटे जो नीचे स्तर के होते हैं, यही लोगों का समाज है। बाकी बड़े लोगों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, वहां तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाला रहता है। लेकिन जो हम मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वही समाज बनाती है, अपने हिसाब से समाज के लोगों को, समाज को अपने हिसाब से मोड़ती है, जैसा चाहे वैसा मोड़ ले। लेकिन पहला व्यक्ति अगर कोई कुछ काम करता है ना ऐसा कुछ अलग सा, तो सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, सारे दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। मुझे कभी यकीन नहीं होता कि जिस घर में इतनी एकता थी, हर चीज को लेके एक दूसरे का सहारा बना करते थे, उस घर में आज के डेट पे ये एकता ऐसे हो गई है, सिर्फ एक छोटी सी वजह, पुनर्विवाह। जी हाँ, राम और मनु, राम मेरा भाई है, मनु मेरी भाभी है। ये सच्चाई कुछ दिनों के लिए छुपाने के लिए कही गई थी, हमने कोशिश की, लेकिन अपने ही लोगों ने खोद खोद कर पता किया और उसे फैला दिया। यार, इतना बड़ा गुनाह नहीं है, वो लड़की महज 25 साल की है और उसके साथ ऐसी घटना हो गई, वो अकेली हो गई, तो क्या उसे दोबारा जिंदगी जीने का हक नहीं? क्या उसका एक बार शादी होने के बाद अगर वो दोबारा शादी करती है तो बदचलन कहलाएगी, उसे इतने बुरे शब्दों से बोला जाएगा, क्या ये सही है? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर मेरा मन कहता है कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था, वो सही है। अगर इस कुरीति से एक एक की जिंदगी भी सवर जाए, तो मेरा इस समाज को सुधारने में ना एक किंचित मात्र का योगदान समझूंगी मैं अपना। अगर उनकी जिंदगी सवर जाती है तो ये मेरा योगदान का किंचित मात्र योगदान है सुधारने का। और जिसने भी इसमें हेल्प की है, जो लोग, वो इस अच्छे काम के सब हकदार हैं,
भोलेनाथ की कृपा से हुआ है ये काम, अगर उनकी मर्जी नहीं होती ना तो हम करने वाले कोई नहीं थे। अगर उनकी इच्छा नहीं होती ना तो ये शादी नहीं हो पाती। बोलते हैं ना शादियाँ भी ईश्वर की मर्जी से ही होती है। हम घूमते तो बहुत है, कई जगह जाते हैं, कई लड़कियाँ देखते हैं, लड़के देखते हैं, लेकिन क्या एक जगह जाने पर हो जाती है शादी? नहीं होती है ना। हमें ढूंढना पड़ता है 2 साल 3 साल 4 साल, कई लड़कियाँ देखा हम लोगों ने भी। और जिस जो शादी अभी कराई है ना, वो लड़की को मैं दो बार अलग अलग जगहों से मैंने उससे ऑफर किया था कि वो शादी कर ले, लेकिन वो लड़की ने मना कर दिया था शादी से। वो लड़की ने खुद मना कर दिया था शादी से कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मतलब वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसा मूड बदला, क्या बदला। मैं इसको सिर्फ ईश्वर की मर्जी समझती हूँ कि वो तीसरी बार में पता नहीं वो मेरे दूर के रिलेशन की हैं जिनके थ्रू ये शादी हुई, इसलिए मैंने ये शादी से पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि इससे मैं अपने भोलेनाथ की मर्जी समझती हूँ कि उन्हीं की मर्जी से हुआ है। तो प्लीज इतने गलत शब्द मत यूज करो, परिवार को तोड़ो मत, जोड़ो, जोड़ सकते हो तो जोड़ो। अगर एक की भी जिंदगी सवर जाए तो उसमें बुरा किसी का नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। जमाना बदल रहा है, समय सिचुएशन बदल रही है। थी किसी जमाने में इतनी कुरीतियां चली थी, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं। पढ़िए, किताबों को पढ़िए, कभी तो समझ में आएगा। मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। तो गाइस, आप लोग मेरे बात से कितना सहमत है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं, हमारे अपने जिनके लिए हमारे मुंह में गलती से भी अपशब्द नहीं आ सकता है, गलती से भी गलत बात नहीं आ सकती है, वो हमारे अपने हमारे लिए। ऐसी बद्दुआ दे सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तो कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। प्लीज गाइस, आज मेरा ब्लॉग इतना ही था, मैसेज के लिए था। अगर आप लोग सहमत है तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा मैसेज पहुँचाइए समाज तक। इस कुरीति को हटाया जाए, विधवा पुनर्विवाह करवाया जाए। जिसके बच्चे हैं उनके लिए मैं फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि जिसका अगर बच्चा है ना तो उसे जीने का मकसद मिला हुआ है, वो अपने बच्चे को लेके अपने मकसद को पूरा कर। अच्छा ऐसा पर्सन मिल जाता है जो उस बच्चे को भी एक्सेप्ट करे और उसे भी एक्सेप्ट करे दिल से, तब तो सही है, बिल्कुल सही है, कर लेना चाहिए, किसी बिना हिचक कर लेना चाहिए देख के। लेकिन जिसका बच्चा है और कोई बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी औरत को ही एक्सेप्ट कर रहा, उस लड़की को ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो शादी ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि उसमें ना एक माँ में ना इतनी बड़ी ताकत होती है ना कि अपने बच्चे को अकेले, क्या पूरी दुनिया में भी अकेले रहेगी ना, कोई नहीं रहेगा तो भी वो पाल सकती है। लेकिन अगर उसने शादी कर ली ना तो वो बच्चा है ना जो जिसका जो भी पैदा हुआ जान भी नहीं रहा है ना, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैं खिलाफ नहीं हूँ कि अगर किसी के बच्चा है तो शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने देखा है दूसरे चाचा लड़का कर ले शादी दूसरी या औरत कर ले, बच्चा तो तबाह ही हो जाता है दोनों ही कंडीशन में। तो सपोर्ट उसका भी करिए हर तरह से, लेकिन जो लड़की जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं रह गया, ना उसका खुद का बच्चा है ना कुछ, तो किसके सहारे जिएगी यार? कहीं ना कहीं तो उसकी शादी होगी ना, और अच्छी है, कर लोगे तो क्या दिक्कत है, उसकी भी जिंदगी सफर जाएगी। मेरी बात से अगर आप लोग सहमत है तो प्लीज़ गाइस कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।